मेरे चटोरो, कैसे हो बे? अरे अच्छे ही होंगे, चटोरे लोग कभी भी दुखी नहीं रहते, खुशी रहते हैं चट चट करके। आज की जो रेसिपी होने वाली है ना चटोरो, वो होने वाली है रेस्टो होटल झापा जैसी, ढाबा जैसी पनीर टिक्का मसाला। तो चलिए, बनावट है व्हाइट फ्लोर पे स्लाइड करके एक मेरे पास बाउल आ गया है। बाउल में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, मतलब कि सरसों का तेल। ये तेल को आपको कोई गर्म ठंडा वगैरह नहीं करना है, सीधे जो बॉटल में होगा वही इसमें डाल देना है, 2 टेबल स्पून। और 1 चम्मच के जितना हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला। भाई हैं, ये क्या डाल दिया, गर्म मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। और ये है कसूरी मेथी, जिसे हाथों से आपको रगड़ देना है, और ये है आधा चम्मच। और चम्मच भर के आ चुका है बेसन, जो कि है 1 चम्मच, और ये नॉर्मल बेसन है पकौड़े वाला, कोई भुना नहीं है। 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही, घर वाली दही, कोई बंधी हुई दही नहीं डालनी है आपको। इसे आपको फेटना है, अच्छे से फेटिएगा ताकि सारी चीज़ें जो फ्लेवर हैं एक दूसरे में घुल मिल जाएं और स्वाद का धमाका हो मुँह में। और ये देखें कितना स्मूथ हो गया है ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च, 2 है ट्राइंगल, कुछ ट्राइंगल कटी हुई है, कुछ स्क्वायर कटी हुई है, बट 1 शिमला मिर्च है। ये आधा प्याज है, जिसकी कलियां आपको उधेड़ देनी है, मतलब कि खोल देना है, ये भी आपको इसमें डाल देना है। फिर सर्वप्रथम सबसे पहले हम इन्हें एक दूसरे में अच्छे से मिला लेंगे, मतलब मसालों को। अब आती है पनीर की बारी, आ गया है पनीर। और पनीर है देखिए स्क्वायर पीसेस में कटा हुआ इक्वली, ये अमूल पनीर है और ये ग्राम में है 300 ग्राम। पनीर डालने के बाद आपको अपने हल्के मुलायम हाथों से इसे अच्छे से मिलाना है, मतलब कि ये टूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। नमक डालना मैं भूल गया था मेरे बच्चे, तो वो मैंने डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल देना है आपको। और इसे फिर से हम थोड़ा सा मिला लेंगे। अब मिलाते मिलाते ना इसको हम खड्डा करेंगे साइड में, देखिए अब मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए ऐसे खड्डा कर देना है आपको, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा इस खड्डे का क्या करना है ना। तो फिलहाल हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और ये जो हमने खड्डा किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। और ये हमने एक सिल्वर पेपर का कटोरी बना लिया है, ये हम सेंटर में डाल देंगे। और ऐसी कटोरी भी आप यूज़ कर सकती हैं, बट एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर काला धब्बा पड़ जाएगा। ये है जलता हुआ कोयला, खुलता हुआ कोयला, ये सेंटर में आपको डाल देना है। और इसमें आपको 1 चम्मच ऑयल, बटर मत डालिए, घी डाल सकते हैं। अब ढक देना है आपको, 1 से 2 मिनट आप इसे ढका रहना दीजिए। और ये स्मोकी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम 2 मिनट का ढक्कन हटाएंगे और धुएं का भरमार हो चुका है और इसमें आ चुका है स्मोकी फ्लेवर स्लो मोशन में। आपको ढक्कन ये सब हटा देना है, जो हमने कोयला वगैरह डाला था वो हटा देना है। अब मैंने तवा लिया है, ये पैन तवा जो चाहे ले सकते। अब पूछिए मैंने पैन या तवा क्यों लिया है, क्योंकि सबके घर में ये जो मेरा होता है ना, ये देखिए मेरे पास है, ये घुसड़ने वाला जो होती है ना सीख, ये होती नहीं है। तो हम है ना ऐसे ही इसके बिना काम चलाएंगे, क्योंकि ये सबके घर में बननी चाहिए ना, आप लोग भी बना सकें ऐसा बताऊँगा मैं। 2 चम्मच आपको ऑयल डाल देना है और इसमें से कुछ पनीर के टुकड़े उठाने हैं, कुछ प्याज के और कुछ शिमला मिर्च के। आपको पूरे जो इसमें है ना फैला देना है, मतलब एक के ऊपर एक नहीं डालना है, पर अलग अलग डालना है। चाहे तो आप 2 बार में इसे ऐसे सेक सकते हैं, बट अलग अलग डालिएगा। अब बात आती है सिकाई कैसे करनी है, मतलब मीडियम फ्लेम पे सिकाई करनी है, 1 से 1.5 मिनट एक तरफ से, दोनों तरफ से मतलब 3 मिनट। अच्छा सा ब्राउन कलर आ चुका है इसके ऊपर, ये देखिए ऐसा ऐसा आना चाहिए, तभी तो टिक्के वाला फ्लेवर आएगा। तो ऐसे ही सब आपको कर लेने हैं। फिर से मैंने एक पैन लिया है, पैन में आपको डाल देना है 2 चम्मच ऑयल, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। 2 मैंने डाल दी है इसमें हरी इलायची और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। 10 सेकंड तक हम इसे तेल में अलट पलट के कर लीजिएगा भाई। हाँ, और ये है प्याज, बारीक चॉप किया हुआ प्याज होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये 2 प्याज हैं चॉप किए हुए मीडियम साइज के, इसमें डाल देंगे। हल्का ट्रांसपरेंट होने तक हम इसे भूनेंगे, जब ये हल्का सा ट्रांसपरेंट हो जाए तब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1/2 चम्मच। और फिर से हम भूनेंगे जब तक कि प्याज हल्का ब्राउन ना होने लगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्राउन होने लगा ना। फिर इसमें हम डाल देंगे 3 टमाटर का पेस्ट, फ्रेश टमाटर लेना है और मिक्सर जार में गर गर करके घुमा देना है। अब आ गया इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक भी आ चुका है इसमें। और अब आएगा इसमें धनिया पाउडर जो है 1/2 चम्मच, 2 चुटकी हल्दी भी आ चुका है। और अब क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अभी से हम थोड़ा सा मिलाएंगे अच्छी तरह से, है ना, भुनाई करेंगे इसकी,
इसमें ना रेड फूड कलर ऐड कर रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वाला कलर आएगा। आपकी मर्जी यार, करना है तो करना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। चटोरे इस पर कोई स्वाद पे असर नहीं होगा, बट देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये जो टिक्के में से जो ग्रेवी बची थी ना, जो जिसमें हमने टिक्का मैरिनेट किया था, वो आपको इसमें डालना है। इससे दो फायदे हैं, एक तो एक ग्रेवी में थिकनेस आएगी और खाने में भी बहुत मजा आएगा क्योंकि इसमें बहुत फ्लेवर है। इसे अच्छे से भूनना है आपको, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और भूनते रहिए जब तक ये देखिए स्लिप करने लगेगा चारों तरफ। ये मसाले ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, मुंह में पानी भी आया है मेरे। पानी लिया मैंने अंदर, थोड़ा सा चॉप डाल देंगे हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्च रफली कटी हुई, और ये आ गया हमारा टिक्का। हाय हाय क्या देखने में लग रहा है, इसकी नज़र उतार लो। तो बस टिक्का पड़ चुका है और पानी डालेंगे इसमें आधा कप। जो ml में देखेंगे तो 100 ml और ग्राम में देखेंगे तो पता नहीं, शायद 100 ग्राम ही भरे, है ना। ml में डाल देना, आधा कप डाल देना, हो गया कप। पानी डालने के बाद आपको 3 से 4 मिनट पकाना है। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे जिसकी क्वांटिटी है आधा चम्मच। गरम मसाला डालने के बाद आपको 1 से 2 मिनट पकाना है और हमारा जो ये टिक्का मसाला है वो बनके तैयार है। अरे मैं कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बन गया है। हाँ तो जल्दी से कर लेते इसकी प्लेटिंग। हो मुंह में पानी। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा यार, मेरी मतलब बातों पे तो मतलब जरा से अभी विश्वास मत करो। आप लोग ट्राई करो मेरे चटोरो और फिर बताना कि कैसी बनी है। और सिंपल तो बताया ही मैंने आपको बोला ना कि वो सुआ घुसड़ने वाला काम ही नहीं किया मैंने टिक्का बनाने के लिए, सीधे तवे पे बना देना है। तो चलो फिर मिलूंगा। क्या आपको भी मिलना है तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, तभी हम लोग फिर से मिल पाएंगे मेरे भाई। तो तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, बनाना जरूर।